हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। क्या हाल है? अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज जैसे कि देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर बारिश है, सारा भीगा हुआ है, ऊपर बादल, मौसम आज बहुत ही प्यारा बना हुआ है। बादल भी हैं, बारिश भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, और बादल गरज रहे हैं, बादल भी गरज रहे हैं और बारिश भी आ रही है। यहाँ से बादल है, यहाँ से थोड़ा सा मौसम साफ हुआ खड़ा है। ऊपर ऊपर जाके देखते हैं, मौसम बहुत ही प्यारा प्यारा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ये देखिए मौसम चेक करें, ये मौसम बहुत ही प्यारा है। गर्मियों में बारिश बहुत ही मज़ा आता है, जब बारिश आती है गर्मियों में। मैंने अभी मैं सफाई किया, नीचे से बारिश हो रही थी, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपके लोग में मैंने बताया था, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर शाम को उनको आके एम्बुलेंस ले गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अब तबीयत थोड़ी सी अब बेहतर है, और जो दर्द था वो अब थोड़ा सा कम हो गया है। और आप दुआ कीजिएगा मैं शोर के लेके उनको अल्लाह ताला जल्द जल्द ठीक कर दे। और मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप सबके रोज़े कबूल हों, नमाज़ें कबूल हों, और आप सबको रोज़ा आपका मुबारक हो। और जब ये रोज़ा रखता हो, रख रहा हो, अल्लाह ताला उन सब के रोज़े कबूल मंजूर फरमाए। और आज का मौसम बहुत ही प्यारा है, जिसने भी रोज़ा रखा है आज का दिन उसका बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम है, बारिश भी हो रही है। और मैंने आज रोज़ा नहीं रखा क्योंकि कल मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी टेंशन में मैं रोज़ा नहीं रख पाई। और मैंने आपको पहले भी बताया था मैं रोज़ा रखती हूँ जुमे जुमे का, जिसकी वजह से मैं और रोज़ा नहीं रखती थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी, मेरी नानी अम्मी और मेरे सिस्टर, वो सब रोज़े रख रहे हैं। अल्लाह ताला उनको तौफीक दो और सारे पूरे रोज़ा रखने की। यहाँ पे मेरे कज़न का घर है, देखें मेरी चाची का घर ये सामने, यहाँ पे काम पे भी लगे हुए हैं। यहाँ पे इनका घर पे ये सारा काम हो रहा है, ऊपर जो है उनके ऊपर कमरे बन रहे हैं दूसरे बेटे के लिए। और जब उनका घर बन जाएगा फिर उनकी शादी होगी, फिर कितने साल के बाद हमारे घर शादी आएगी, वो बहुत इंजॉय करेंगे। साल दो साल होने वाले हैं शादी हुई को। और मैं कज़न की शादी थी, मैं दूसरी बड़े चाचू की बेटे की, उनके दो साल हो गए उनकी शादी को, दो साल के बाद होने वाले। ये देखिए ये तो तय क्या है पता नहीं है, देखिए कमेंट में बताया कि ये चिड़िया, ये तोता है, उड़ गई। एक और भी बैठी है चिड़िया, ये वाली सामने बैठी है, वो वाला जो था वो उड़ गया, पता नहीं किधर चला गया, ऊपर गया कहाँ गया, थोड़ा सा देखते हैं। बस यहाँ पे देखें, ये बच्चों ने बॉल फेंकी थी, यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ी पड़ी है, ये देखें सामने पड़ी है। ये बच्चे जब खेलते थे ना बॉल इसके ऊपर फेंक देते थे, और जिसकी वजह से यह उठा भी नहीं सकती, क्योंकि ये बॉल ऊपर है, चिड़िया भी नहीं है, चिड़िया बंदा चढ़ जाता है ऊपर से बॉल उठा लेता है, इनकी घर भी नहीं है। अब बात यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से देखिए ये मौसम यहाँ से साफ हो रहा है, यहाँ पे बादल है, देखिए अल्लाह ताला के निज़ाम इधर से साफ है, यहाँ से बादल है, बादल गरज भी रहे हैं। और अब थोड़ा सा बादल कम हो गए हैं, पहले सुबह सुबह और अजानों के टाइम, रोज़े के टाइम इतनी तेज़ बारिश आई, इतनी तेज़ बारिश है, सारा पानी हमारे बरामदे तक पहुंच गया था, इतनी बारिश आई है, बहुत ज़्यादा आई थी बारिश। अब जाते हैं नीचे रोटी खाते हैं, रोटी मैंने खाई भी नहीं है, बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बच्चों को भी खिलाती हूँ। बच्चे बार बार मुझे कह रहे हैं मम्मा हमें भूख लगी है, हमें रोटी दो, मम्मा भूख लगी है रोटी दो। चलो अब जाते हैं उनको रोटी खिलाती हूँ, रोटी खिला के फिर उनके साथ फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपको पहुँचा सके। और मिलने थोड़ी देर बाद, अब हम करते हैं नाश्ता। A few moments later. और हम जाने वाले हैं बाहर बाजार, यहाँ पे लगी हुई है तबार बाजार, और हम वहीं पे जाने वाले हैं, देखेंगे सामान कुछ देखते हैं, कुछ अच्छा लग मिल जाए तो ले लेंगे, अगर नहीं लगा तो मैं सबको दिखा के आ जाएंगे क्या क्या उधर लगा हुआ है, लंडा बाजार है या बाजार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बना के दिखा के आपको, फिर हम घर आ जाएंगे। अब जैन सैन तैयार हो रहे हैं,
रखे जैन अपने आप को कंघी दे रहा है, सैम ने जूता पहन के कंघी दे के सारे ओके कुड़कर अभी बाहर हो रहा है बहुत गड़े साफ। बाहर से आपको थोड़ा सा दिखाते थोड़ा सा बाबा देख खड़े बार। अरे अब हम जा रहे हैं बाजार देखने। यहाँ पे मेरी खाला कर रही है कुकिंग, ये बना रही है चावल, ये सामान बन रहे इसमें डालिए प्याज और क्या लहसुन, ये लहसुन है, ये प्याज है, ये हरी मिर्च है, ये टमाटर है और ये मिर्ची पड़ी है, देख लो और हम गए थे इधर बाजार में आए थे, बाजार तो बंद हो गई थी इसकी वजह से हम अम्मी नानी अम्मी के घर आ गए। नानी अम्मी के घर इधर रोजा अफ्तारी का सामान बन रहा था, को दावत की है इन्होंने रोजा अफ्तारी के लिए, बस के अंदर डाल दिया लाल मिर्च बड़ा। हम गए थे बाजार को देखने, बाजार खत्म हो गई थी बंद हो गई थी जिसकी वजह से हम नानी मम्मी के घर गए थे। हम नानी बना रही थी और रफ्तारी का सामान, उन्होंने अपने मेरी यानी कि मेरी दोनों खालों को उन्होंने दावत दी हुई थी उनका करवाना था, उन्होंने रोज़ा अफ्तारी करवा के फिर वो सामान बना रही थी और फिर हम आ गया घर वापस क्योंकि शाम हो रही है। रोटी सालन बनाने हम बनाने वाले हैं, आज बनाया हमने कचनार और मुर्गी ये बनाया और उसके बाद रोटी खा लिया, उसके बाद आपको कहते हैं गुड अल्लाह हाफिज। ठीक है अब हम मैं व्लॉग करने वाली यहीं पे एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट लाजमी कर दीजिएगा ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकते आपको दस सके। और अरमान है कि मैं बाजार नहीं देख सकी क्योंकि आज एतवार बाजार लगी थी, पहली बार यहाँ पर बस्ती में तो बाजार लगी है और फिर इंशाल्लाह जाएँगे बाजार से मेरे हस्बैंड की तबीयत सही हो जाए उसके बाद हम जाएँगे बाजार। बाजार से बच्चों के जूते लेने हैं, कपड़े वगैरह हमने ले लिए थे उनके और मैं थोड़ा सा शॉपिंग रह रही है वो भी करनी है। मेरे हस्बैंड के सो कपड़े वगैरह से जो सामान है वो इसका लेना है अभी, वो अभी सिलवाने के लिए भी देना है। और अगर आप हमें वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। फिर हम जाएँगे बाजार, बाजार का आपको लाजमी करेंगे जो हम बाजार से शॉपिंग करेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।